तो फिक्र ना करना एला, मैं बात करूंगी इन लोगों से, ये लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने। मैंने कह दिया ना आपसे, मुझे वहां शादी नहीं करनी है। क्या तुझे आदत पड़ गई है नफरत सहने की? तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे कोई मकान मिलेगा, तेरी इज्जत होगी। और आपको शादी करके क्या मिला? वो मकान, वो इज्जत मिली? बार बार मेरा और अपने बाप का किस्सा बीच में मत लाया। आपने तो जो करना था अपनी जिंदगी के साथ कर लिया। जरूरी तो नहीं कि तेरे साथ भी ऐसा ही हो, अल्लाह ना करे। ये काफी का किस्सा तो हमारी जिंदगी पर नाक की तरह कुंडल मार कर चिमटा हुआ है। अम्मी, मैं कुछ भी कर लूं, कैसे भी जिंदगी गुजार लूं, आखिर तो मैं आप ही की बेटी हूं ना। इस बात का ताना देते मेरा भाई थकता नहीं, तो दुनिया मुझे क्या बख्शेगी? मुझे माफ कर देना है। खुदा के लिए मुझे नहीं बख्श सकती तो खुद को तो माफ कर दे। रोज रोज खुद को ये बात याद दिलाना बंद कर दे कि तू किसकी औलाद है। सब जाकर आप अपने बेटे को कहिए, जो आपकी नफरत का बदला मुझसे ले रहे हैं, और इस नफरत में वो मुझे किसी के भी हवाले कर देंगे। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अब आदी हो चुकी हूँ इस सब की। ना मुझे किसी से कोई उम्मीद है और ना ही मुझे किसी से कुछ कर सकता है। इंसान भला किसी के लिए कर भी कैसे? तू रब से उम्मीद रख मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं जरा हांडी चढ़ा दूँ, रोटी तो बना लेना।